कुछ लोग समझते हैं सितम करके जिएंगे, कुछ सोच रहे हैं कि ये अब डर के जिएंगे। हम अकबर और अब्बास के हुक्मदार हैं शौकत, अपना ये अकीदा है कि हम मर के जिएंगे, अपना ये अकीदा है कि हम मर के जिएंगे। करबल की तरह जुल्म सितम करने लगे हैं, तवज्जो चाह रहा हूँ, करबल की तरह जुल्म सितम करने लगे हैं, फिर खौफे विलायत से अदू मरने लगे हैं। करबल की तरह जुल्म सितम करने लगे हैं, फिर खौफे विलायत से अदू मरने लगे हैं। हद हो गई, कल तक चिने अब्बास का डर था, अब नासिर अब्बास से वो डरने लगे। सितम करने लगे हैं, फिर खौफे विलायत से अदू मरने लगे हैं। हद हो गई, कल तक जिन्हें अब्बास का डर था, अब नासिर अब्बास से वो डरने लगे हैं। और अली वली की जियारत का जो सबब ठहरे, वो एक सांस मुकद्दर की ईद होता है। अली वली की विलायत का जो सबब ठहरे, वो एक सांस मुकद्दर की ईद होता है। और बता रहा है नासिर का मातमी लाशा, मेरे वतन में अकीदा शहीद होता। बता रहा है ये नासिर का मातमी लाशा, मेरे वतन में अकीदा शहीद होता है। बस आखिरी चार मिसरे फरमाएंगे, नासिर की लहत में मेरे मौला, फरमाएंगे नासिर की लहत में मेरे मौला, ये लाल विलायत की अंगूठी में जड़ा है। बोलो बोलो लाहौर वालों, मैं कह रहा हूँ, फरमाएंगे नासिर की लहत में मेरे मौला, ये लाल विलायत की अंगूठी में जड़ा है। छक जाओ नकीरैन इसे फर्क अदब से, क्यों अक्सर ये मुझे भौंकने वालों से लड़ा है। अक्सर ये मुझे भौंकने वालों से लड़ा है। आप माविया दादो गवर्नर हाउस के सामने शिया कौम का सबसे छोटा नौकर शौकत रहा, शौकत को मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, देखो इन अदारों को, इनमें से किसी को कॉल करके नहीं बुलाया गया, बस इन्हें खबर हुई है कि अल्लामा नासिर का जनाजा है। और ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, मैं मिंबर पर कह रहा हूँ, कहने को तो कुरान के पास रहे हजारों, इरफाने विलायत से भी कासर हैं हजारों। शौकत को इन मावी आजादों को खबर दे, अब नासिर अब्बास के नासिर हैं। सारे मिलके मिलके लब्बैक या हुसैन।